इतने सालों से सीरियल कर रहे हैं और फिर भी ये एकदम काम। तो आई थिंक सोशल मीडिया हैज बिकम सच अ स्ट्रांग गेम। आई थिंक तकिए के नीचे से फोन निकाला और देखा कि क्या अपडेट्स हैं। अभी वो इंटरनेट पे एकदम बूम चल रहा है। एलविश, Hey guys, you're watching Filmy Beat. I am Lavi Chaudhary and today we have two beautiful guests on our panel. Aaj bahut hi khoobsurat baatcheet hone wali hai. We have Sharad Malhotra and Anjali Arora with us on Filmy Beat. Let's welcome that. Bahut der se humne wait kar liya hai aur off the record bahut baatein bhi kar li hai. Now dono ka gaana aaya hai. मतलब दो अगर एनर्जी पैक लोग इतने अच्छे से मिल जाए एक रोमांटिक सॉन्ग बनाने के लिए, काइंड ऑफ लाइक अ सैड सॉन्ग टू। बिल्कुल यार, बहुत जैसे आपने आई थिंक इतनी अच्छी तारीफ कर दी हम दोनों की, आई थिंक तो अब ऐसा है कि हाँ, मतलब दो एनर्जीज जब कोलाइड करती हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं और दो लोग जब अच्छी तरह वाइब करते हैं, यू नो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अंजलि इज अ वेरी वेरी इजी गोइंग एक्ट्रेस यार, मतलब बहुत मजा आया बिकॉज बहुत फ्री फ्लोइंग है और आई थिंक हमने एक्चुअली बहुत ही आराम से शूट किया। ऐसा कुछ गाना बहुत सैड होगा लेकिन हमने अंजलि ने कोई सोशल मीडिया टैक्टिक्स ट्रिक्स कुछ समझाया आपको सोशल मीडिया गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ यार, आई थिंक देखो मुझे शायद लोग जानते हैं कि मैं मतलब ज्यादा कैमरे के सामने ही रहता हूँ तो मेरा सोशल मीडिया में इतना एग्जैक्टली थैंक्स टू अंजलि बिकॉज नाउ आई हैव बीन सीइंग अ पेज एंड ऑल, वो इतनी एक्टिव रहती है कि मुझे यार हम लोग कर क्या रहे लाइफ में यार। प्लीज एक्चुअली थिंक ऑन सोशल मीडिया यार, व्हिच इज ग्रेट। या यू शुड लर्न फ्रॉम दैट। And Anjali, what do you think? How important it is कि अपना social media profile हम एकदम अच्छे से manage करके रखें if you are a celebrity? हाँ, because मेरा तो ठीक है चल जाता है। क्या होता है ना कि अगर हम शरद की बात करें, शरद all time camera के आगे रहते हैं और उनके पास इतना time नहीं होता है कि वो अपनी social media life भी manage करके रखें। वो already एक life को जी रहे होते हैं, serials में बहुत serial बहुत tough and hats off to him कि वो इतने सालों से सीरियल कर रहे हैं और फिर भी ये एकदम काम एकदम बहुत शांत है, वरना इरिटेट हो जाता है इंसान यार। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक शूट करना बैक टू बैक और ही इज सो स्वीट सीरियसली। थैंक यू। एंड गाने का जो ये सीरियस प्लीज नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू नो सी सोशल मीडिया इन टुडेज टाइम बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है और आई थिंक जो अंजलि जिस तरह अपने सोशल मीडिया को जिस तरह वो हैंडल कर रही हैं और जिस तरह वो अपने आप को आई थिंक यू नो कंडक्ट करती हैं सेट पर भी, जैसे मुझे याद है उन्होंने मुझे एक बार कहा कि यार आप मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए कुछ कहो, तो मुझे पहली बार समझ नहीं क्या बोल रहा है यार। इतनी अच्छी बात है बिकॉज यू नो आप छोटे मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं, आप जैसे पूरे दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मेमोरीज होती है ना हमारी कि हम सब शूट कर रहे थे तो वो क्या कोई कैप्चर नहीं करता है, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ऑडियंस को ये देखने में। गाने से ज्यादा ये देखने में मजा आता है कि शूट कैसे हुआ, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था। तो हमने हमारे गाने को और अच्छी रीच मिले तो मैंने एक BTS भी शूट किया है जो आज मैं डालने वाली हूँ। आज मेरा BTS भी आउट हो जाएगा तो यूट्यूब पे मेरा BTS भी देख सकते हो आप। तो मतलब एंड ऑल्सो गाने को मिले भी बहुत अच्छे रिएक्शन है यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। आई होप BTS भी बहुत पसंद आएगा। बट अंजलि मुझे एक बात और पूछनी थी, अब सोशल मीडिया पे इतने अपडेटेड रहना पड़ता है तो फोन पे भी चिपका रहना पड़ता होगा, मम्मी कैसे समझती है यार इस चीज को? मम्मी तो वैसे ही नहीं समझती है। मेरी मम्मी बहुत कूल है और क्या होता है ना पहले नहीं समझ आता है, जब हम अपने पेरेंट्स को अपनी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं ना तो वो भी समझते हैं और वो इन्वॉल्वमेंट का तरीका अच्छा होना चाहिए कि हमने पेरेंट्स को भी लेफ्ट आउट फील ना करवाओ जब आप फोन के आगे हो। तो मैं अपने मम्मी पापा को मैंने पहले वो बहुत ज्यादा शाय थे बट अब मैंने उनको कैमरा फ्रेंडली कर दिया, अगर मैं उनके सामने कैमरा कर दूं ना तो वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं होता कि बुखार हुआ है तो और फोन चला बुखार ही होगा, ऐसा नहीं होता है, है ना? चलो आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा बचपन में जो मम्मी कोई एक चीज के ही मतलब उसको ये बोल दे कि हाँ तू ये कर रहा था ना इजीली हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार, लकीली आई थिंक मेरी जो टीम है वो मुझे पिछले कुछ महीनों से मेरे बहुत पीछे पड़ी हुई है कि यार जिस तरह कैमरे के सामने हम लोग इतना एक्टिव रहते हैं मीडिया पे भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा आज का जो करंट जो ट्रेंड है कि आप कुछ भी करें लाइफ में पहले सोशल मीडिया पे आएगा, उसके बाद आपको वो आप पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे। तो आई थिंक सोशल मीडिया हैज बिकम सच अ स्ट्रांग गेम। आई थिंक हम आगे खोलते हैं चेक करते हैं कि किसने क्या पोस्ट किया है, क्या स्टोरी आ रही है, यू नो सोशल मीडिया
आपकी आवाज कट रही है. हाँ, आवाज आ रही है आपको? Yes, अब yeah. सोशल मीडिया ना एक एक वेब की तरह हो गया है पूरा, कि एक बार जो जब उस वेब में जाता है तो बिल्कुल फंस जाता है. तो आई थिंक मेरे लिए अब जाके पिछले जैसे ऑब्वियसली मैंने टीवी किया इतने साल, अब पिछले कुछ सालों से मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा टाइम मिल रहा है मुझे सोशल मीडिया पे ध्यान देने का. जैसे अगेन टॉकिंग अबाउट अंजलि, बिकॉज अंजलि इज वेरी वेल नोन इन्फ्लुएंसर, वहाँ खड़े होके अपनी पिक्चर्स लेना, पोस्ट कर देना, फिर कैप्शंस डालना, तो इतनी चीज जो मैंने भी ऑब्वियसली सीखी है, बिकॉज सेटअप के तुम देखते थे यार, ये एंगल लो, वो एंगल लो, और फिर सोचो, फिर कुछ इंटरेस्टिंग कैप्शन डालो, स्टोरी डालो, उसको शेयर करो, रीशेयर करो. सो आई थिंक इट्स ग्रेट यार, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप उतना उतने ज्यादा अगर आप इससे क्या होता है ना, लोग हमारे साथ एंगेज रहते हैं कि लोगों को हमारी चीजों को जानने में, और अगर उनको हम पसंद आ रहे हैं तो उनको हमारी हर एक चीज जानने लाइक उनको क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसके पीछे क्या था, अगर ये बात चली है तो इसका क्या मतलब था. तो वो सब चीजें हम बाय आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, लाइक इंटरव्यू इज आर पार्ट ऑफ, लाइक यही है ना कि BTS हम शेयर कर रहे हैं कि लाइक जो हमारे सेट पे हुआ, हमारी क्या एक दूसरे को लेके थॉट्स हैं, हमें कितना मजा आया साथ में शूट करने में, तो ये थ्रू आउट हम इससे बता सकते हैं. आई थिंक लोग जुड़े रहते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, लोग कहीं ना कहीं आपसे, दैट्स ट्रू एक्चुअली, क्योंकि फेवरेट सेलिब्रिटीज की सारी चीजें जाननी है फैंस को, जैसा मैंने कहा मुझे ना अपने स्टार्स पूरे के पूरे चाहिए, सो उनको हर एक चीज क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, दे वांट टू नो एवरीथिंग. सबसे पहला हमारा घर पे काम यही होता है की तकिए के नीचे से फोन निकाला और देखा की क्या अपडेट्स है. तो दो तीन दिन शुरू में तो हुआ, बट वहाँ पर मतलब चीजें क्या होता है ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो सिचुएशन भी वैसी होती है की उसमें हमें ढलना ही होता है, तो वैसे सिचुएशंस के साथ सब चलता रहा. सुबह उठते लड़ाई झगड़े, कभी अच्छा मन होता था, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, लाइक इतना फील नहीं हुआ, बहुत अच्छे से निकल गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एग्जैक्टली, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे पता चला था स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कोप अप करने में टाइम लग रहा था, बट जब आप एक बार फिर फॉर्म में आए तो मतलब आई वॉज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट देयर. या यू वर, कभी मतलब मैं कभी एंगेज नहीं रही, मतलब ये रियलिटी शोज के साथ मुझे देखने पसंद नहीं थे, और मैं खुद एक रियलिटी शो का हिस्सा थी, तो मेरे लिए बहुत टफ था, और मेरे से सब बड़े बड़े, लाइक मेरे से एज में भी बड़े, काम भी उन्होंने बहुत ज्यादा किया हुआ था, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 13-13 रियलिटी शोज किए हुए ऑलरेडी, तो उनको कम्पीट करना मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था, और मैं इंट्रोवर्ट थी, जितना मैं आज बोल रही हूँ ये उसी का दिया हुआ है, वरना मैं शांत रहती थी, चुप रहती थी बिल्कुल. नहीं, जब आप एक बार फॉर्म में आ गए थे ना तो देखने में बड़ा मजा आया था आपको, मतलब फिर तो पंगे लो, मैं बताती हूं तुम्हें, एक बार जाओ पंजाब को कोई कुछ बोलेगा तो हम चुप रहेंगे क्या, फाड़े के आते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रियलिटी शोज? यार, आई थिंक रियलिटी शो आर दे रियल इनफ? डू यू थिंक आर दे रियल इनफ? नो, रियलिटी ग्रेट, मतलब मुझे आवाज आ रही है? या, यू आर ऑडिबल. इफ आई हैव बीन ऑफर्ड रियलिटी शोज फॉर लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, but coming to that main as a person bahut private hu, I don't like to discuss ki main bhi subway kha raha hu ya main bahar drive pe ja raha hu ya main coffee pee raha hu, matlab wo meri life hai, correct? Agar main play karta hu to different thoughts, different point of view, correct? So wo character jo main play karta hu, wo character aapka hai, wo aapko jo karna hai ki aapko gaali deni hai, aapko pyar karna hai, jo karna hai kijiye, lekin ye meri personal life hai, to ye personal life main manta hu ye meri hai, okay? अब जाके ऑब्वियसली मुझे समझ में आता है कि बिकॉज इट्स अ वेरी सोशल मीडिया काइंड ऑफ वर्ल्ड, अब थोड़ा जरूरी है लोगों को बताना, अच्छा वाह आज आप कैपेचिनो पी रहे हैं तो आप भी मेरे साथ पिएंगे, तो मैंने वो भी देखा, मैंने वो भी ट्राई किया, कि हम लोग कहीं ड्राइव पे गए तो हमने एक स्टोरी शेयर कर ली, जो कि मुझे लगता है कि इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग. हम लोगों को बताना चाहते थे कि इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है, कि लड़की छोड़कर क्यों गई, कि लाइक मैं अक्षर को जाके बोलती हूँ कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, बिकॉज यू आर आर्टिस्ट, मेरे पापा को चाहिए कि लाइक यू आप कुछ अच्छा अर्न करो, जॉब करो. तो शरद मुझे बोलते हैं कि यार देखो मेरे लिए मेरी कला सबसे ऊपर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ. तो उसने बोला ठीक है फिर मुझे छोड़ दो, मैंने उसको आगे से बोलने का मौका भी नहीं दिया और मैं उसको छोड़कर चली गई.
कि लाइक ये एक ऐसा हमने कहानी के अंदर ये चीज डाली थी, बट वो शायद कुछ लोगों को कन्वे हुई है, कुछ लोगों को नहीं हुई है. सबको ऐसा लगता है कि लड़की ने धोखा दिया, बट ऐसा नहीं है. नहीं, लड़की ने धोखा, मतलब जैसे अभी का ना सिचुएशन ऐसी थी कि या सिचुएशनशिप कि उसकी शादी किसी वेल एस्टैब्लिश्ड बंदे से हो. ओके, उसके घर वाले ऐसा चाहते थे, नॉट शी, घर वाले चाहते थे, लड़की नहीं चाहती. तो जाहिर सी बात है, जब लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मतलब नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं, देखो एक मेल ईगो भी होता है, ठीक है, तो उसने करनी मत करो, मैं भी नहीं करूंगा. वो जो वहां से अलग हुए ना, उसके बाद फिर जब एक साल बाद जब वो बड़ा आदमी बन चुका है, अब उसकी पेंटिंग्स बिक चुकी हैं, तो जब वो अपने ही रेस्टोरेंट में जब वो देखता है लड़की को, तो exactly. यादें तो है, यादें, and you know those facial expressions बिल्कुल साफ दिखती है, वो मेल ईगो ना शक्ल पे दिखती है एकदम आपके. मेरा एक सवाल है अंजलि से कि वो जो आपके पति या आपके फियांसे जो थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया देखकर यार. आई थिंक उसको दिखा रहे हैं बेचारे को. He was quite fine with it. He was very fine. Yeah. Also, अभी आप बिग बॉस देख रहे हो या नहीं, मुझे ये पूछना तो बनता है, बिकॉज अंजलि वुड लाइक अग्री टू इट कि एल्विश यादव ने जाके सिस्टम वहां पर हैंग कर दिया. शी इज फ्रॉम दिल्ली, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, नाउ लिविंग इन गुड़गांव, काइंड ऑफ लाइक. तो आप देख रहे हो, मैं बहुत रेगुलरली फॉलो नहीं कर रही हूँ बिग बॉस को, बट कुछ क्लिप्स आ रही हैं, बिकॉज अभी वो इंटरनेट पे एकदम बूम चल रहा है एल्विश, बहुत ज्यादा, और मैं चाहती हूँ कि वो जीते, एल्विश या फिर अभिषेक, इन दोनों में से, एंड मनीषा इज ऑल्सो डूइंग गुड. या या, शरद, यू आर नॉट कॉलिंग बिग बॉस, मुझे देख के लग रहा है. I have a few friends जो अभी खेल रहे हैं, उनमें से एक मेरी फ्रेंड आकांक्षा, वो भी बाहर आई है, और काफी उनके भी किस्से चल रहे हैं काफी. तो किस्से अभी मैंने गाना भी किया उनके साथ में. बहुत सारी बातें चली बिग बॉस के बारे में, तो मैंने कहा यार, मतलब जैसे अंजलि ने कहा, आई थिंक इट्स अ वेरी हॉट आईपी राइट नाउ, बहुत हॉट प्रॉपर्टी है, तो आई थिंक हाँ, I'm sure यार, जो इंटरनेट के लोग हैं, I think वो बिल्कुल देख रहे होंगे. बिल्कुल, क्या है ना, आप स्क्रॉलिंग जब हम करते हैं ना, तो क्या चलता है वो हमें दिख जाता है, तो ठीक है ना, अगर हम बिग बॉस फॉलो नहीं भी करें, बट स्टिल हमें एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें सारी जिंदगी की अपडेटें, हर इंसान की अपडेट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ आता है. एंड स्क्रॉलिंग के दौरान तो ज्यादातर एल्विश ही दिख रहा है. इनफैक्ट आकांक्षा इज ऑन हिज टीम. Sorry? I don't think so. Yeah, no, she just confessed it like today. Okay. I am on his team. मुझे पता है वही कर रहा है. So guys, अभी response गाने को तो बहुत अच्छा मिल रहा है, and I had a great conversation with you. ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत unfiltered, uncandid था. मैंने भी सीख लिया, गाते doesn't mean घायल, है ना. Situationship है, male ego है, इतने सारे मुद्दों को अगर कोई गाना cover कर दे, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है. एट लास्ट हमें ये बता देता है कि यार, अपनी इमोशंस को देखो, उनको, उनसे भागो मत, राइट? बिल्कुल, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. देखो, हाँ, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर बोथ ऑफ साइड, मतलब हम दोनों की तरफ से, प्लीज प्लीज, कि आप जब टाइटल डालें तो टाइटल में बिग बॉस और एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी टाइटल ना डाले, हमारे गाने का नाम डाले. कोई कंट्रोवर्शियल जवाब ही कहाँ दिया है, मैं तो वही ढूंढ रही थी कहीं से मुझे मिल जाए. नहीं, बिकॉज मतलब हर इंटरव्यू के बाद वो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी डालते हैं कि लोग उसमें आके देखे, और हमारा गाना बिल्कुल हट जाता है. और हमारा मेन मोटिव है इस इंटरव्यू को करने का, हमारा सॉन्ग बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा गाना देखो, वीडियो देखो, लिरिक्स सुनो, जो भी अच्छा लगता है कॉमेंट करके बताओ, एंड मेक योर गुड रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग अस, और हम उसको अपनी स्टोरी पे पोस्ट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक एक नई कंपनी है जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हमारे गाने को नीचे कर दे, ठीक है. सो प्लीज, वो कैप्शन जो है थोड़ा एग्जैक्टली, आई गेट योर पॉइंट. इनफैक्ट रील्स बनाने से ये पता चल जाएगा कि शरद इज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वो भी रिपोस्ट करेंगे ना रील्स को. मैं शरद को बोलूंगी, शरद करो. Done.
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बता दो, लाइक जाते जाते और क्या आने वाला है। रिसेंटली अभी मेरा एक गाना है, मतलब गाफिल से पहले भी एक गाना आया जन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स पंजाबी, फुल पेपी वाइब है उसकी। जन उसका नाम है, नवजोत के साथ मैंने वो किया है, एंड नमो स्टूडियो साहब, वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है, तो आप वो भी जाके देखिए, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। But please, this is only for Gafil right now, so go watch Gafil. Thank you for the 1 million views. Yeah, thank you. 1.4 million now. Thank you. We are doing good.